हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू यामा MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि यामा की जो MT-15 है वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर के साथ में आपको पता है कि भैया प्राइस भी वैसा ही बढ़ता जा रहा है। इस बाइक का इतना ज़्यादा प्राइस हो गया कि अब दोस्तों आपको पता है कि भैया हम इस बाइक को यहाँ पे बिना डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के तो ले नहीं सकते। ऑब्वियसली बात है भाई, इतना ज़्यादा प्राइस है कि कैश में लेना फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो मैं आप लोग के लिए डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाली जो वीडियो वो लेकर आता रहता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज की वीडियो में MT-15 के बारे में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका खुद का घर है तो आपको देना पड़ेगा भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी। खुद का घर नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ध्यान रखिए, आजकल चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, चेक की जगह ATM की ज़रूरत पड़ती है। ATM से डायरेक्ट ECS हो जाता है। उसके पास 6 महीने की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। इन केस अगर आप जॉब नहीं करते तो भाई कोई बात नहीं, आप लोग ITR भरते होगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे, आप उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं। जनरली आप लोगों को इतने ही डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा कि MT-15 X-Room प्राइस अराउंड 1,64,900 रुपीज़, 1,64,900 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको X-Room प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्ज से फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,97,000, 1,97,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोग सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको बताओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो डाउन पेमेंट अमाउंट रखा हुआ है हमने वो लगवाया है 57,000। जी हाँ, 57,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब हमारा बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,40,000 रुपये। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो तब आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फी, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ चाहे आप किसी बैंक से कराओ। 1,40,000 में कम से कम 10,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगेगा ही। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,50,000 रुपये। अब हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी कंपनी जब भी आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही तो ऑब्वियसली बात है भाई उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा है। वो अपने बिना फायदे के तो भाई आपको फाइनेंस करके नहीं देगी, उस फायदे का नाम है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपकी सैलरी स्लिप पे और आपके ITR पे। जनरली मैंने 6% से 14% तक देखा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 10% लिया हुआ है। 1,50,000 का जब आप 10% निकालोगे एक साल के का तो आपका 15,000 रुपये के आसपास का जो है वो इंटरेस्ट आएगा। ध्यान रखिए, 15,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को एक साल के लिए ही फाइनेंस कराना चाहते हो तो एक साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए 1,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। उसमें आप 15,000 रुपये प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,65,000 रुपये। अब 1,65,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 13,750 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 12 महीनों तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, 15,000 इंटू 2 कर दो तो 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये जो है आपके 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए ही फाइनेंस कराना चाहते हो, 2 साल के लिए जैसे आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, अब 1,50,000 में आप 30,000 रुपये को प्लस कर दो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,80,000 रुपये। 1,80,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 7,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000
रुपये 15,000 × 3 कर दो तो 45,000, जी हाँ 45,000 रुपये जो आपके 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो टोटल अमाउंट है 150,000 रुपये, उसमें आप 3 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो तो हो जाएगा 1,95,000, 1,95,000 रुपये। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी लगभग 5,416 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 36 महीनों तक। तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू यामा MT15 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। सुमित करते हैं आपके छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।